अब इसको भटके मारना बोले तो पहले ये किराया तो और ज्यादा होगी, और ज्यादा किराया हो जाएगा इसके हिसाब से। उसको है ना जैसे है उसको उसको कुछ भी नहीं कर सकते बराबर। हाँ इसको कारण है बोले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस समय टाइम हुआ है 6:57 और हम लोग निकल रहे हैं अजंता केव्स के लिए और उसके बाद सीधा घर पे। इसके बाद तो मैं ज़्यादातर गोप्रो से कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि गोप्रो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। यह है इंटरनेशनल भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती है और हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक विहार है, ये विहार इन सेंस बुद्धिस्ट टेम्पल कहा जाता है इसे। बेसिकली हम लोग यहाँ पर अभी, और ये पीछे वाला जो एरिया है ये गार्डन एरिया है, हमें भी इतना कुछ पता नहीं है। हम लोग जस्ट रोड से गुजर रहे थे, बहुत बड़ा गौतम बुद्ध का स्टैचू दिखा तो हम लोग अंदर चले आए। जब हम लोग ने राइड स्टार्ट की अजंता के लिए तो हम लोग टूवर्ड्स अजंता राइड कर रहे थे और सडनली एक बीच में एक बड़ा सा स्टैचू दिखा गौतम बुद्ध का, तो हम लोग देखने के लिए रुक गए और वहाँ उसके बाद सीधा हम लोग अजंता केव्स के लिए स्टॉप ले लिए। ऐसे रास्ते में तो काफ़ी सारे मुश्किलें आए अजंता पहुँचते। मॉर्निंग में राइड स्टार्ट किया था 7 बजे तो ऑलमोस्ट 5 घंटे लग गए हम लोग को यहाँ पे पहुँचने के लिए। अभी हम लोग अजंता में पहुँचे हुए और यहाँ से पब्लिक बस लेना पड़ता है और जैसे ही बस स्टार्ट होती है हम लोग 10-15 मिनट में अजंता केव्स की तरफ चल पैसे। डेस्टिनेशन द अजंता केव्स, द वर्ल्ड हेरिटेज। बैटरी से चार्जिंग है, कैमरा का कुछ इश्यू नहीं है लेकिन ड्रोन अलाउड नहीं है। अभी सीढ़ियों से तो हम लोग आ गए, एक यहाँ से भी एक रास्ता है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं अजंता केव्स, वहाँ पर हमें जाना है। बेसिकली ये है केव नंबर 1 और यहाँ से पूरा अजंता का स्टार्ट होता है, मतलब अंदर में जो केव्स है वहाँ पे पूरे सब स्टोरीज लिखे हुए पेंटिंग के जरिए में और कुछ बाहर की तरफ कार्विंग भी की गई है। यही सब मतलब चलता गया है पूरे केव्स नंबर 21-23 ऐसे कुछ केव्स है वहाँ तक। और वैसे भी अंदर कोई कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है तो जल्दी जल्दी जो मैंने शॉट्स लिए आप एंजॉय कीजिए। हर एक गुफा में भगवान गौतम बुद्ध का स्टैचू है, मतलब ये वाला पोजीशन है।
यही वो केव है जिसमें भगवान गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है, जो कि निर्वाण पोजीशन में है। और आप देख सकते हो कितनी बड़ी है ये गुफा और कितनी बड़ी है ये मूर्ति। इसके बाद जो हुआ वो आप खुद देख लीजिए। मोटी राइड में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। बाइक के गियर बॉक्स का एक छोटा सा वैकिंग, इस छोटी चीज के लिए हम लोग ने पूरा गियर बॉक्स खोल लिया है। और ये ओल्ड बुलेट है, 1982 का मॉडल है। अभी मैं इसको ठुकरा दे रहा हूँ। हम लोग ने कैसे वैसे वो गियर बॉक्स खोल भी लिया और कैसे वैसे उसको बना भी लिया, लेकिन देर के बाद वो फिर से उसने कुछ काम करना बंद कर दिया। तो हम लोग ने कैसे वैसे करके उसको 15-20 किलोमीटर तक गाड़ी चला ली और सडनली आगे जाके कुछ बंदोबस्त करने का सोच लिया। तो जैसे ही हम लोग आगे पहुँचे तो एक ढाबा देख के हम लोग ने गाड़ी रुका दिया। रुकने के बाद फिर एक मैकेनिक को फ़ोन किया। मैकेनिक को फ़ोन करने के बाद वो बेचारा 15-20 किलोमीटर से कैसे वैसे आ गया और उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। और हम लोग रुके शिव शक्ति ढाबा, यहाँ पे रुके। और फिर मैकेनिक आने के बाद हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए। हमारे पास काफ़ी सारा टूल बॉक्स था जिसमें हमारी बहुत सारी हेल्प हो गई। गिरी थी ना इसमें से आ रहा है। इसके अंदर अब कैसा जाना ही है आपको, इसका तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा अभी, पर वहाँ जाने के बाद में इसको चेंज करता हूँ। कुछ जाने को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, खाली आप इसमें गिरीज डाल लो। भाई की गाड़ी का काम हो गया और जमीर भाई ने बहुत सारी हेल्प की हमारी। जमीर भाई हैट्स ऑफ आपके लिए, इतने दूर आए आप हमारे लिए, थैंक यू वेरी मच। इसी टाइम को लेके हम लोग ने एक गाना सब लोग के लिए, ये गाना रोहन बस मुझे चलते जाना है, चलते रहना।
आगे की राइड की तैयारी चालू है। आज पता नहीं कितना देर तक हम लोग राइड करेंगे, देखते। अभी सब लोग का मूड तो एकदम मस्त फ्रेश हो गया। भाई नासा की तैयारी चालू है। यही सब तो सिचुएशन पे सब मजा आता है, ये सब यादें रहती है, बाकी तो कुछ रहती नहीं। और इसके बाद हम लोग ने सीधा स्टॉप लिया 40 गांव के लिए। तो भी इतनी ठंड थी कि बोल नहीं सकते, बाप रे बाप, इतने ठंड में हम लोग चले गए। अरे यो पण 800 तो पण 800। आज आम्ही त्या दिवशी मस्त मटणाचा डिश खाल्ला, नाच खाल्ले रस्सा भात। ऑलमोस्ट लगे 7 डिग्री टेम्परेचर और सब लोग की हालत देखिए। काफी खतरनाक ठंड है। गुलाबी ठंडी नहीं है ये, कुछ ठंडी है, लाल ठंडी। लाल ठंडी मारेगाव दादा दे एक ना मजा बाकी एक दो एक दो कभी। अभी ऑलमोस्ट 4 बजे तक राइड करने के बाद हम लोग ने डिसीजन ले लिया, चलो भाई अभी रूम ले लेते हैं, सो जाते हैं और फिर सुबह निकल पड़ते हैं। फिर सुबह काफ़ी टाइम राइड करने के बाद हम लोग ने फिर एक दोपहर में लंच के लिए एक ढाबे पे सब लोग ने बाइक पार्क कर ली और वहीं पे सब लंच वगैरह होने के बाद सीधा रात में धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट हम लोग का मैक्सिमम स्पीड जो था 30-40 था, वो स्पीड पे हम लोग बाइक चला रहे थे। मतलब वो बाइक ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम दे रही थी, तो हम लोग कैसे वैसे करके घर पे पहुंच गए। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलो फिर मिलते हैं कोई और राइड पे।